यहाँ पे मेरे पास ये सेक्शन है जो कुछ ऐसा साउंड करता है। नाउ यहाँ पे अगर आर्टिकुलेशंस और घोस्ट नोट्स को मैं हटा दूं तो ये मेलोडी कुछ ऐसी साउंड करेगी। इंस्ट्रूमेंट के लिए जो ये छोटे नोट्स हैं जो एक्चुअल मेलोडी के पहले या बाद में आ रहे हैं, जैसे घोस्ट नोट्स हम कहते हैं, वो इस मेलोडी को और रियलिस्टिक बना रहे हैं, जैसे कि ये वाले नोट्स। तो बेस्ट तरीका जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के आर्टिकुलेशन को समझने के लिए वो है कि आप जाके पहले इस इंस्ट्रूमेंट को सुने यूट्यूब वीडियो पे या फिर लाइव, इससे पहले कि आप उसको जाके